तो गाइस ये बॉडी बिल्डर्स के बीच में आकर फिर से मैं भी जोश में आ गया हूँ। मुझे भी ऐसा हो रहा है कि शर्ट निकाल के स्टेज पर चढ़ जाऊँ, लेकिन लोग हंसेंगे। अभी हम बॉडी चेक कर लेते हैं, ये रिलैक्स कंडीशन, बहुत फैट है। आप लोगों ने देख लिया है कि मेरा बॉडी कंडीशन क्या है, मतलब ये जो स्टमक एरिया है ये देखिए, यहाँ पर फैट बहुत है, तो शर्म आ रही है। लेकिन अभी ये सब रिकॉर्ड इसलिए भी कर रहा हूँ कि आप लोगों को भी दिखा सकूँ और मैं भी देख सकूँ कि हमने कहाँ से शुरू किया था। चलो सिंह आ जाओ। मैं मिस्टर गुजरात बन गया तो अपने यहां पे ट्रॉफी रखेंगे, ठीक है, यहां पे, तो इसे गंदा मत करना। क्या हो गया? तेरी जगह नहीं है ये, ट्रॉफी की जगह है। आप तो फर्स्ट मील व्हीट ब्रेड 80 ग्राम्स ऑफ व्हीट ब्रेड एंड 8 एग व्हाइट्स। लेट्स स्टार्ट। Alright guys, so everything is ready. Costume, resistant band, color, oil, सब कुछ ले लिया है, सब कुछ समेट लिया है। और ये मेरा second meal है, अभी करीब 1 बजा है दोपहर का। Second meal लूंगा, सब कुछ pack करूंगा और फिर गाइस तो ऑल सेट है, बस मैंने लास्ट मील भी ले लिया है, सब कुछ सेट है, बस अब मैं निकल रहा हूं। सो इट्स शो टाइम। 2:18 हुई है। यस, तो चलिए फटाफट निकलते हैं। सफर की शुरुआत हो गई है। अभी मैं यहाँ से पहले सलमान और अमजद भाई को पिक करूंगा। आशीष आने वाला था लेकिन पर्सनल रीजन की वजह से वो नहीं आया है, तो ये दोनों सिर्फ हम 3 लोग होंगे। तो सलमान और अमजद भाई दोनों आ गए हैं। मस्त नाद हो क्या है अमजद भाई? एकदम सलमान भाई, ये वालेकुम सलाम। बे अमजद भाई डंबल तो लेके आते यार, 4-5 जन से गायब हो गए, सब गायब हो गए यार। और सुफियान
तो चलिए अभी यहाँ से अमजद भाई के जिम पे जाना है, 5 किलो के डंबल लेने हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग पहुंच गए हैं अभी यहाँ पे चेक इन करवाना रजिस्ट्रेशन के लिए, तो चलिए चलते हैं। सुफियान कहाँ पे? ऊपर होगा, यहाँ पर वेट चेक होगा और रजिस्ट्रेशन जो भी फॉर्मेलिटीज है वो करेंगे। मेन जो इवेंट है वो कहीं और है, तो पहले ये ख़त्म करते हैं उसके बाद चलते हैं। वेट दे दिया है, हाइट दे दी है, रजिस्ट्रेशन सारा, फॉर्मेलिटीज खत्म, अभी हम लोग फ्री है। अब जाएंगे सामने पिज्जा खाने। अभी ये लोग कुछ खाएंगे, मैं तो नहीं खा सकता। कंपटीशन खत्म होने के बाद अपने दिखाएंगे अपना जलवा। पार्टी करें तो। पार्टी पार्टी चलिए। मील टाइम, आखिरी मील ले लेता हूँ स्टेज पर चढ़ने से पहले। देखता हूँ लेट हुआ तो फिर एक और मिल जाएगा, लेकिन अभी ओट मिल लेके आया हूँ मैं। अमजद भाई भी उनका मिल लेके आए हैं, सलमान नहीं लाया कुछ, तो सलमान कुछ ले लेगा। चलिए खाता हूँ मैं। तो गाइस देखिए, हम लोकेशन पे पहुंच गए हैं, टाउन हॉल। यहीं पे कॉन्टेस्ट होगा, अभी तो कुछ है नहीं, वेट करेंगे। मिल भी ले लिया है, 7 बजे का बोला है, इंशाल्लाह हो जाए तो अच्छी बात है, वरना जनरली 7 बजे बोलते तो 10 बजे होती है शुरू। तो लेट्स सी, चलिए वो टाइम पास करते हैं। ऑलराइट एवरीवन, तो यस मैंने एंट्री ले ली है और ये बैक स्टेज है। अभी फर्स्ट जूनियर्स की बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन शुरू होगी, तो देखिए थोड़े बहुत जूनियर्स अभी आए हैं, टाइम हो रहा है, थोड़ा लेट हो रहा है और हमने भी एक छोटा सा कोना पकड़ लिया है, वहीं पे सामान वामन रख दिया है। तो जैसे मैंने बताया, पहले जूनियर होगा, उसके बाद मेरा कैटेगरी आएगा मेंस फिजिक। Taking shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof. Alright guys, तो कलर लगाना शुरू कर दिया है। ये देखिए। I'm too honest when I take a few
I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts. People who are half done. You are not as tough as second of this category goes to turn number 48, Mr. Irfan from Aldabad. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song. You cannot save me. Relax, turn back, so your back double biceps. 54! Relax, back leg spring. Side biceps. Relax, look front. So your abdominal with thighs, abs and thighs please. Relax. Now the most muscular pose, please. 169. अभी जब ओवरऑल के रेडी रहेगा थर्ड प्लेस गोज टू टर्न नंबर 64 रवि मुल्तानी फ्रॉम कच्छ. Yeah.
Second place goes to trunk number 68. Irfan. ट्रॉफी आ गई सिम्बा, एक नहीं दो दो आ गई। तो गाइस सपने सच होते हैं, सपने देखना ना भूलते हैं, सपने सच होते हैं। एवरीवन, तो इसी के साथ रोड टू मिस्टर गुजरात का जो सीरीज मैंने शुरू किया था उसे मैं समाप्त करता हूं, खुशी खुशी समाप्त करता हूं, क्योंकि एट द एंड जो भी मेहनत की थी वो रंग ले आई और हमने मिस्टर गुजरात कंपटीशन जीत लिया। ना कि सिर्फ मैंने, हम सब ने, ये सबकी मेहनत थी। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं सबसे पहले तो खुदा का कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी, काफी मुश्किलें आई, वो सारी मुश्किलों से लड़ने की मुझे ताकत दी। मेरे फैमिली को बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहता हूँ, मेरे मम्मी, मेरे पापा, भाई बहन, सभी लोगों का मुझे बहुत ही सपोर्ट मिला है। फैमिली के सपोर्ट के बिना गाइस तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। मेरा फैमिली बहुत ही सपोर्टिव है, पल पल मुझे सपोर्ट किया है हर तरह से, तो थैंक यू सो मच। तो ये थैंक यू वर्ड से मैं अपने फीलिंग्स शायद ना बता पाऊँ, ये बहुत ही छोटा वर्ड है थैंक यू, लेकिन मेरा खुदा जानता है और मैं जानता हूँ कि मैं कितना दिल से शुक्रगुजार हूँ मेरे फैमिली का, खुदा का, आप सभी का। आप सभी लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरा पूरा जर्नी आप लोगों ने देखा और मुझे मोटिवेट किया उस सभी चीज़ों के लिए। गाइस तहे दिल से मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा WFF की जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुई, बहुत ही बढ़िया कंपटीशन थी। सुशील कुमार जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने पूरे इवेंट को मैनेज किया और बहुत ही खूबसूरती के साथ कंपटीशन को अंजाम दिया। आपकी जो भी पूरी टीम है WFF की, उस सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लोगों की वजह से ही मेरा सपना सच हो पाया है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मेरे फिटनेस के करियर की शुरुआत ही मिस्टर गुजरात के ड्रीम को लेके हुई थी और आज वो पूरा हो गया, तो मैं बहुत 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 शुक्रिया कहना चाहता हूं। मैं बहुत ही खुश हूं, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं हर चीज का, आप सभी लोगों का। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। तो गाइस अगर आप लोग मेरा सिर्फ यही वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि मिस्टर गुजरात का जो भी मैंने प्रिपेयर किया है, सप्लीमेंट से लेके मैंने क्या खाया है, डाइट, न्यूट्रिशन, एवरीथिंग, वर्कआउट, मैंने सब कुछ शेयर किया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके पूरा प्लेलिस्ट मैंने बनाया रोड टू मिस्टर गुजरात, वो पूरा प्लेलिस्ट देख के आप देख सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो किस तरह से मैंने जर्नी की शुरुआत की और किस तरह से बॉडी ट्रांसफॉर्म किया, तो आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगी। तो ऑलराइट गाइस, होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरा पूरा जर्नी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर भी कर देना। तो जल्द ही मिलते हैं, गुड बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़। बूम।